माने जी नहीं। हाँ दिख रहा है ना तू अभी पेन, विक पेन, विक पेन। नाम आपका सर? हमारा नाम बस कैमरा में आते हैं बोलती। बताइए कुलदीप जी। हाँ जी क्या बताइए, क्या क्या कह रहे थे आप? एमडी साहब के पास जा रहे हो? आपके बगल में घोस्ट राइडर खड़े और दूर रहे। इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया रे। चलो भाई चल बैठ, ठीक है आते शाम में। क्या कह रहे हो? तो हम लोग निकल गए हैं आज, यहाँ चालान कट रहे बहुत सारे, बराबर चालान कट रहे हैं आज। तो हेलो गाइस, आज हम लोग निकले हैं देवगढ़ से ब्यावर की तरफ। ब्यावर यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, और जो अजमेर टू उदयपुर और उदयपुर टू अजमेर वाले हाईवे पे है। यहाँ से खामली घाट से हम राइट लेंगे, राइट लेते हैं फिर 90 किलोमीटर तक में हम लोग पहुँच जाएंगे ब्यावर। ब्यावर में हम लोग को कुछ ऑफिशियल्स काम है जो कि हम करने जा रहे हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। बस हो जाएगी यार, जब राइट पे जा ही रहे हैं तो क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, क्यों ना एक वीडियो ऑन की जाए। तो इसीलिए बस बहुत ही नॉर्मल सा जो जो चीज़ें होती रहेंगी वो मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा, बाकी चलता रहेगा सफ़र। मेरे साथ माथुर जी पीछे बैठे हैं, माथुर जी के पास आज ज़ोरदार हेलमेट है जिसमें कि वो घोस्ट राइडर से लग रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि हम लोग 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। और फिर वहाँ पर 2-1.5 घंटे का काम है वो निपटा के फटाफट, फिर बैक टू पवेलियन देवगढ़, और फिर ऑफिस के काम। तो यही है डे टू डे लाइफ हमारी, एक सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ऐसी लाइफ उम्मीद करता हूँ मैं तो सबकी होनी चाहिए, जिसमें थोड़ा ऑफिशियल काम, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा मज़ा, थोड़ी दोस्ती यारी, थोड़ा फन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा शामिल होना चाहिए कि हम लोग और ज़ोर से और अच्छे से, हम लोग जो भी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ है, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए अच्छे से काम कर पाए। तो इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हुए चलो कंटिन्यू करता हूँ आगे मैं। राइट अजमेर, हम राइट लेंगे, अजमेर साइड जाएंगे, और ये है कामली घाट मेन चौराहा। यहाँ से फिर वही अपना कामली घाट स्टेशन, और फिर वहाँ से आगे अलग, एंड अब राइट ले लिया है यहाँ से सीधा 90 किलोमीटर। आँख बंद करके भी चलाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, रोड पर हमेशा आँखें खुली रखनी चाहिए आप, और बहुत ही अवेयर होकर बाइक चलानी चाहिए, अपना और दूसरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए रोड पर। सो जो कि आजकल लोग नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही देवगढ़ में भी जस्ट अभी 3 लड़के थे, 2 लड़के एक बाइक पे और एक सामने से आ रहा था, और ये देखो इनको भी, और उनका बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ। जबकि थोड़ा सा आप अवेयर हो जाएंगे अपने लिए और दूसरों के लिए तो रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम हो सकते हैं, बट लोग पता नहीं क्यों स्पीड और बाइक को खेल समझते हैं। खैर हम अच्छे चलते हैं और अपना और दूसरों का ध्यान रखेंगे रोड पर। और यहाँ से ये जो है देवगढ़ सिटी के बाहर, देवगढ़ आ चुका है बट देवगढ़ सिटी के बाहर, और आपको अभी यहाँ से 3 किलोमीटर में आपको लेफ्ट में एक बहुत बहुत शानदार कैफे दिखेगा। मैं रुकूंगा तो नहीं, मैं साइड से आपको दिखेगा यहाँ पे, जो कि अभी मैं रिसेंटली मैंने आपको शायद मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और यूट्यूब उस पर दिखा था, एक कोविड स्टॉप कैफे करके है जो कि यहाँ का जो रॉयल फैमिली के हैं उनके तरफ से बनाया गया है, उनका मेनली उनके बेटे ने, तो बेटे का कॉन्सेप्ट है, और पूरा का पूरा जो पूरा कैफे है वो पूरा का पूरा उसमें गाड़ी और बाइक को पूरा उन लोगों ने इंटीग्रेटेड किया है, जो बहुत ज़्यादा ही एक यूनिक और बहुत अच्छा बना था उस कैफे। यूजुअली ऐसे आपको बाहर कंट्रीज में दिखते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा बनाए हैं, तो लोगों को शायद जो भी इस रस्ते पे आता है, जो भी इस रस्ते से जाता है, उनको एक बार तो विजिट करना चाहिए, बहुत ही सुंदर कैफे। तो ज़्यादा स्पीड में नहीं, 80 की स्पीड पे अपन चलेंगे आराम से। एक रास्ता ये भी जा रहा है देवगढ़ के अंदर, और आज ऐसा बोल रहे थे कि आज थोड़ा बहुत विजिबिलिटी क्योंकि यूजुअल दिनों से कम, तो वाकई में बहुत ज़्यादा कम है। वो वाले पहाड़ दिख नहीं रहे आज हमको, तो ये जैसे पिट स्टॉप रेस्ट कैफे, तो ये देखें पिट स्टॉप रेस्ट कैफे। सो
पूरा वो देखो गाड़ियां दिख रही हैं, बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है कैफे का, अंदर से बाहर से हर जगह से। तो मैं अभी दूसरी बार ब्यावर जा रहा हूँ, मतलब तीसरी बार। मैं जोधपुर से आते समय ब्यावर वाली बस में था, तो जो ब्यावर होते हैं फिर देवगढ़ आती है, एक बार बस में, फिर एक बार में बाइक से हम लोग जब आ रहे थे स्टार्टिंग में बीकानेर टू देवगढ़, तब हम लोग ने वो वाला रास्ता लिया था जो कि ब्यावर में आके खत्म होता है, देन वहाँ से फिर ब्यावर से देवगढ़ आए। ब्यावर में जा चुका हूँ, ब्यावर के एक जगह की चाय बहुत 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 अच्छी है, और वहाँ का तो मैंने पिन लोकेशन भी आने में लगा कि इन फ्यूचर कभी मैं याद ना रहे या कौन सी तो जगह मुझे पता, तो ऐसे पिन लोकेशन ड्रॉप कर देना, किसी को सेंड कर देना, तो बहुत हेल्पफुल रहता है, हैंडी रहता है कि आपको वो जगह पसंद थी और वो कहाँ है, तो उस टाइम पे फटाक से आप निकाल सकते हैं, पहुँच सकते हैं उस जगह पे, बहुत ईजी रहता है ज़्यादा। और हाईवे इतना सुंदर कि बस आपको हल्का सा थ्रॉटल रखना है तो गाड़ी बहुत स्लो भी आपकी चलती रहती है, बड़े सरसों के खेत। राजस्थान में राइड करने का एक अलग अलग सुकून, एक अलग मजा है, ये तो मैं बात कि इतने स्मूथ रोड, इतने मक्खन रस्ते आएंगे, राइड की जो राइड करने के लिए मजा है उसको ना और मतलब बूस्ट करते हैं और अच्छा लगता है। बट आज थोड़ा हेजी है तो वही है, तो मतलब इतना क्रिस्प वीडियो नहीं आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है ना, काफी सारी चीजें जैसे पेंट हो रहे हैं, कलर है, स्काई है, तो ऐसी है ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो में ऑन करते हैं, बोलेंगे ज्यादा नहीं, बट रोड का मजा लेते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं भीम, अब यहां से है 650 समथिंग, 50 किलोमीटर तो है यहां से। माधव साहब कितनी देर में आ गए भीम? 15 मिनट आ गए, कितने किलोमीटर था? जोरदार आए, तो 30 था, 30 किलोमीटर हम लोग ने 20 मिनट में कवर कर लिया। ऐसे रोड होता आप क्यों ना जाए दूर दूर इलाकों में यार घूमने। रिसेंटली कल ही लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च किया है जो दुबई में मंदिर, तो वो मंदिर भी यही के पिंक पत्थरों से बनाया गया है, पिंक सैंड स्टोन से बना एक्चुअली, वो तो वो पूरा पूरा राजस्थान से गया। और फिर ब्यावर से अजमेर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है,
अजमेर। रास्ते के पैरेलल साथ में पूरे छोटे छोटे रेंज और ये वाले भी जो शायद रेंज है, ये अपनी रेंज ही ज़्यादा मुझे आइडिया है, देखो मैं गूगल कर लिखकर नीचे उसको करेक्ट कर दूँगा अगर आपने नहीं है, और अगर है तो नहीं करूँगा। व्यूअर्स के लिए तो ये बहुत ही मतलब भाई है व्लॉग की ऐसा सब दृश्य देखिए। और यार यही काफी काम चलो याद तो नहीं मुझे उतर से तो ऐसा आया था बहुत नीचे में 4x4 का हाईवे लेन और उसके बाद क्या पहाड़ के व्यू और बहुत ही ऊंचे पहाड़ है यार वो तो, ये तो बहुत छोटे हैं वो तो बहुत ऊंचे पहाड़ थे बस में से तो अलग ही व्यू आ रहा था। यार मैं तो जब पहले नहीं आए अपन यहां से आए तो हम तो रास्ते पर याद क्यों नहीं है, रात हो गई थी क्या उस टाइम पे? हाँ तो ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार। हाँ यार गन्ने का जूस बना रहा है बियावर, यहाँ से आए थे हम लोग जो मैं बता रहा था ना कि जब पिछली बार है इस वाले कट से आए थे, ये रास्ता जा रहा है। मान साहब को बहुत ज़ोरदार हेलमेट मिला है और हमने देखो ये पैक कराया था रास्ते में और खाया भी नहीं, अब खाता हूँ। अरे ब्यावर के रोड पे अंदर घूमते हुए ये हम खड़े हैं सूरज पुल गेट, कितना सुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ की चौकी कहाँ से कहाँ? कहाँ पे? राइट यहाँ से उन लोगों ने क्या बताया यहाँ से कि तो अब हम लोग दोबारा निकल चुके हैं, काम जो था वो हो गया है, जिनसे मिलना था मिल चुके हैं वापस देवगढ़ से, लेकिन अभी हम जिससे आए जिस रास्ते से आए थे वहां से नहीं जा रहे, दूसरे रास्ते जा रहे, थोड़ा आगे से जाके वापस हाईवे आएगा पुल के नीचे से सीधा राइट लेके देवगढ़ 90 किलोमीटर में देवगढ़।
down, down, down. Round, 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 round. ये क्या बना हुआ है भाई? हैं? देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई, पाली, अहमदाबाद, मुंबई, कांडला पोर्ट, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर, रामदेवड़ा, अपने में जाना है बट सीधा। चाय पीनी है? कहाँ भी हो गए? चाय है ही नहीं इधर। पूछ लो। एक चाय भी बहुत बढ़िया कड़क चाय मिली, जैसी हमें अच्छी लगती है। माथू साहब का देख लो हेलमेट, गोस्ट राइडर। है भाई, क्या कह रहे क्या हो रहा है? बाढ़ वाड़ होते हैं ना। ब्लास्ट कर रहे हैं। कितने देर से? 10-15 मिनट। कितने देर हुआ ब्लॉक किए हुए अभी? 10-15 मिनट हैं। ये हुआ जोरदार, देखो पूरा स्मेल आ रहा है डायनामाइट का। ये ब्लास्टिंग है अभी, पूरा डायनामाइट पूरा स्मेल कर रहा है।